यह मान्यता है सीता जी के श्राप के कारण फल्गु नदी धरती के अंदर चली गई और हजारों साल से यह नदी धरती के अंदर बह रही है। अगर हम फल्गु नदी के किनारे जाएंगे तो हमको चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी, लेकिन अगर हम अपने हाथों से उस रेत को हटाएंगे तो नीचे पानी दिखेगा जो कि फल्गु नदी का पानी है। है ना आश्चर्य की बात। हमारे देश में कई जगह, कई ऐसे तीर्थ हैं, कई ऐसी जगह हैं और कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली हैं। उनमें से एक बात यह है कि फल्गु नदी धरती के अंदर बहती है। आज हम फल्गु नदी के बारे में बात करेंगे जो कि गया में है और जहाँ पर श्राद्ध होता है और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है जिससे कि हमारे पूर्वज स्वर्ग को चले जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर श्राद्ध करने से, यहाँ पर पिंडदान करने से पूर्वजों के लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आज हम लोग बात करेंगे गया तीर्थ के बारे में जो कि फल्गु नदी के किनारे पर है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने देश की संस्कृति, अपने देश का खान पान और अपने देश की चमत्कारी जगहों को जगह जगह पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आज हम जानते हैं फल्गु नदी के बारे में जो एक श्रापित नदी है जिसको सीता माँ ने श्राप दिया और क्यों दिया और इसके पीछे क्या पौराणिक कहानी है, इस बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में श्राद्ध या पिंडदान का खास महत्व है। बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे और नदी के जल से किए गए श्राद्ध को स्वर्ग का रास्ता खोलने वाला माना जाता है। यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। गया में फल्गु नदी के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, लेकिन सबको तारने वाली फल्गु नदी को श्रापित माना गया है। गया बिहार की फल्गु नदी के लिए कहते हैं इस नदी को माता सीता जी ने श्राप दिया, ऐसा क्यों कहा गया है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, चलिए आप शुरू करते हैं। एक बात को ध्यान रखें, आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे, इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आपको फल्गु नदी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2023 में श्राद्ध कब से शुरू है इस बात की चर्चा करते हैं। 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमासी, 29 सितंबर 2023 को प्रतिपदा का श्राद्ध है और पूर्णिमा का श्राद्ध है, 14 अक्टूबर 2023 को पितृ विसर्जन अमावस्या है। फल्गु नदी के बारे में एक आश्चर्य वाली बात यह भी है, जब बरसात होती है, बरसात का समय होता है, फल्गु नदी में बिल्कुल भी पानी का जमाव नहीं होता, वह तब भी धरती के अंदर बहती रहती है और वो भी शांत और सीधे तरीके से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवासी का जीवन काट रहे थे उस समय राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। जब वो लोग गया धाम गए और श्राद्ध करने के लिए पहुंचे तो सामान लेने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए और माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठी रही। जब माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठी थी तभी उनको एक छवि दिखाई दी और उनको ये समझते देर नहीं लगी कि यह उनके ससुर राजा दशरथ जी हैं और वह उनसे कुछ कहना चाहते हैं। राजा दशरथ ने सीता से कहा मेरा पिंडदान कर दो, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और पिंडदान में देरी हो रही है। दोपहर का समय था और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था, राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं आए थे। अब सीता माँ ने सोचा क्या करें, तो राजा दशरथ ने बहुत विनती करी, कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, तुम ही मेरा पिंडदान कर दो। तब सीता जी ने सोचा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, अभी तक राम लक्ष्मण नहीं आए हैं, तो उन्होंने बालू के पिंड बनाए, यानी बालू मतलब रेत के पिंड बनाए और उन्होंने पिंडदान कर दिया। इस तरह दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनके ससुर जी बहुत खुश हुए। यह सोचकर कि ससुर जी बहुत खुश हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, सीता माता बहुत खुश हुई। इतने में राम और लक्ष्मण आए और सीता माँ ने उनको पूरी बात बताई कि कैसे ससुर जी आए और राजा दशरथ कैसे आए और कैसे उन्होंने पिंडदान किया। इस समय सीता माँ ने पिंडदान किया, उस दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, कौवा, वट वृक्ष और ब्राह्मण को इस पिंडदान का साक्षी बनाया।
जब सीता माँ ने इस पिंडदान की बात राम और लक्ष्मण को बताई तो राम लक्ष्मण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब सीता माँ ने राम और लक्ष्मण से कहा, आप जो है फल्गु नदी, गाय, कौवे, तुलसी और वट वृक्ष से इस बात की जानकारी ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। तब सीता माँ ने फल्गु नदी के किनारे पर ब्राह्मण, तुलसी, गाय, कौवा इन लोगों को बुलाया कि आप रामचंद्र जी को सब बात बता दीजिए। लेकिन रामचंद्र जी के गुस्से को देखकर इन सभी लोगों ने झूठ बोल दिया। लेकिन वहां पर मौजूद वटवृक्ष ने सीता जी का साथ दिया और वटवृक्ष ने रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को बताया कि माँ ने पिंडदान कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने झूठ बोला था उन पर सीता माँ बहुत क्रोधित हो गई और उनको श्राप दे दिया। फल्गु नदी को सीता माँ ने श्राप दिया कि वह नदी होकर भी नदी नहीं रहेगी, उसमें यानी उसमें पानी नहीं रहेगा और वह हमेशा सूखी रहेगी। इस श्राप से फल्गु नदी धरती के नीचे चलेगी और धरती के नीचे बहने लगी। इस समय भी फल्गु नदी के चारों तरफ आपको रेती रेत दिखाई देगी, पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप रेत को हटाएंगे अपने हाथ से तो आपको पानी मिल जाएगा। गाय को श्राप दिया, गाय पूजनी होकर भी गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि चाहे उसे कितनी भी धन दौलत मिल जाए लेकिन ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। माता तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी पर नहीं उगेगी। यह सत्य है, गया की मिट्टी में तुलसी कभी नहीं पनपती। कव्य को हर समय लड़ने झगड़ने का श्राप दिया। सीता माँ ने झूठ बोलने वालों को श्राप दिया लेकिन वटवृक्ष जिन्होंने उनका साथ दिया उनको वरदान दिया कि वो हमेशा हरा भरा रहेगा और हजारों साल उसका जीवन होगा और सभी लोग उसकी पूजा करेंगे। इस तरह सीता माँ ने वटवृक्ष को वरदान दिया और आज भी जब गया में लोग जाते हैं पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के बाद वटवृक्ष की पूजा जरूर करते हैं। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, पैलाग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी धर्म और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार, पैलाग।